अभी हम लोग देखे थे वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसेक एक्स का के ग्राफ को देखकर यहाँ कुछ कंक्लूजन निकलेगा, देखना है वो क्या कंक्लूजन है। देख रहे हो यहाँ पे कॉसेक एक्स का जो ग्राफ है, ये यहाँ पे ये लाइन अगर हम दें, ये वन यूनिट है ये, और ये माइनस वन यूनिट है। तो ये जो ग्राफ है, ये इस कलर के जो ग्राफ है, ये माइनस वन से लेकर और वन के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये वन के ऊपर है और माइनस वन के नीचे है। मतलब कि कॉसेक एक्स कभी भी माइनस वन से वन लाई नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हो लोग, हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, कॉसेक एक्स जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक होगा और ये वन से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस माइनस वन टू वन नंबर को छोड़कर। माइनस वन वन यहाँ ओपन लिए हैं, मतलब माइनस वन को नहीं छोड़ना है, वन को नहीं छोड़ना है। माइनस वन हो सकता है कॉसेक एक्स, वन हो सकता है, यहाँ इक्वल टू है, लेकिन ये माइनस वन से वन के बीच का जो नंबर है वो कॉसेक एक्स कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर बोला जाए कॉसेक एक्स इक्वल टू वन बाई टू या कॉसेक एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कॉसेक एक्स हाफ हो जाए या ज़ीरो हो जाए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, या हम लोग कह सकते हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे साइन एक्स पीरियोडिक हुआ था, ये टू पाई के बाद रिपीट किया था, वैसे ही ये कॉसेक एक्स भी, ये ऐसे है फिर ये ऐसे, ये दो ऐसे, ये फिर से ये रिपीट करेगा, फिर से आगे वैसे ही दो होगा, दो 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 होते जाएगा। तो हम लोग टू पाई के बाद देख रहे हैं कॉसेक एक्स भी रिपीट कर रहा है। देख रहे हो ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर उसी की तरह यहाँ से टू पाई के बाद फिर से वैसे ही हो गया। तो कह सकते हैं कॉसेक एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टू पाई। यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, कॉसेक एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टू पाई। कॉसेक एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टू पाई से। नेक्स्ट तीसरा यहाँ कंक्लूजन देख रहे हो, कॉसेक एक्स का जो ग्राफ है वो कॉसेक एक्स का ग्राफ जीरो पाई बाई टू सॉरी पाई टू पाई थ्री पाई ये सब पे है ही नहीं, ब्रेक हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं जीरो पाई टू पाई थ्री पाई ये सब पे कॉसेक एक्स अनडिफाइन होता है, डिफाइन होता ही नहीं है। मतलब कि जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई, मतलब इंटीजर इनटू पाई पे कॉसेक एक्स अनडिफाइंड होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कॉसेक एक्स इज अनडिफाइंड एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, या इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एन पाई पे, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहाँ पे ये अनडिफाइन होगा, ये कॉसेक एक्स अनडिफाइन होगा एन पाई पे। जहाँ पे ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे साइन एक्स जीरो होता था, लेकिन कॉसेक एक्स क्योंकि होता है वन बाई साइन एक्स, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो होगा वहाँ वहाँ ये अनडिफाइन होगा कॉसेक एक्स। साइन एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई, वहाँ वहाँ कॉसेक एक्स अनडिफाइन। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है ग्राफ, तो यहाँ पे देख सकते हो लोग, इसके बगल में यहीं पे हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेंट वाला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जीरो से लेके पाई बाई टू, ये एक्स एक्सिस के एबव है, मतलब पॉजिटिव होगा, और ये डिक्रीजिंग है, नीचे जा रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग करेगा, पॉजिटिव एज वेल एज डिक्रीजिंग। सेकेंड, मतलब यहाँ से पाई बाई टू से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कॉसेक एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से लेके थ्री पाई बाई टू तक, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव होगा और साथ में इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब थ्री पाई बाई टू से टू पाई के लिए, ये निगेटिव होगा
और साथ में डिक्रीजिंग होगा नीचे की तरफ, तो ये कॉसेक एक्स ऐसा होता है, ये फोर्थ पॉइंट मेरा था। नेक्स्ट,